मौसम के खूबसूरत रंग शामिल करते हैं। आपको बताएं, लाहौर और गिरदनवा में बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में आज बादल बरसने की पेशगोई कर दी। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 21 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद तफसील जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग रूबा अरूज से। जी रूबा अरूज, मौसम के अहवाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में मौसम खुशगवार है। गुज़श्ता दो रोज़ से बादलों का राज है। तेज़ हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश जो थी उसने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। महकमे मौसमियात ने भी पेशगोई की है कि आइंदा जो 24 से 48 घंटे उस दौरान भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों की बात की की जानिब से वो शहर के इलाके में तकरीबन 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि जो साइड एरियाज हैं, एयरपोर्ट है, पंजाब यूनिवर्सिटी का एरिया है, वहाँ पर 1 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के लिए जो दर्जा हरारत की पेशगोई की है उसके मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया है। हवा में नमी का तनासब 88% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। लाहौर ये जो है वो खुश है, मौसम खुशगवार है। रोड्स पे हमें जो है वो मामूल से ज़्यादा तादाद शहरियों की नज़र आ रही है और उम्मीद है कि शाम होते ही जो पार्क्स हैं और जो तफरी गाहें हैं वहाँ पर भी शहरियों का रश बढ़ जाएगा। लाहौर के हवाले से अगर मौसम की ओवरऑल नेक्स्ट जो वीक है उसकी बात की जाए तो रवां हफ्ते जो है वो इसी तरह से मौसम जो है वो कहीं कभी गर्म और कभी ठंडा और कहीं पर बादल हैं और कहीं पर जो है वो बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है, लेकिन एक हफ्ते के बाद जो गर्मी का जोर है वो एक मरतबा फिर जोर पकड़ेगा। जी जी रूबा, ये बताइएगा ये बादल कितने और मजीद दिन तक लाहौर शहर पर कायम रहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगला जो हफ़्ता है वो लाहौरियों के लिए रहमत का हफ़्ता है, क्योंकि अगले हफ्ते के दौरान जो बारिश का सिलसिला है, बादलों का सिलसिला है, ये वक्फे वक्फे से बीच में गर्मी की एक लहर के साथ दोबारा से जारी रहेगा, लेकिन एक हफ़्ते के बाद दोबारा से लाहौर शहर को गर्मी का जो है वो सामना करना पड़ेगा। लेकिन महकमे मौसमियात की जानिब से खुशखबरी ये है कि ये जो हफ़्ता है लाहौरी, इसमें अगर कोई पिकनिक का प्लान बनाना चाहते हैं और इस वीकेंड को अगर अच्छे तरीके से इन्जॉय करना चाहते हैं तो वो प्लान बना सकते हैं, क्योंकि मौसम जो है वो खुशगवार ही रहेगा। जी अरूबा रोज अपडेट कीजिए कि बारिश से ट्रैफिक का निजाम किस हद तक मुश्किलात का शिकार हुआ है। अवैस, बिल्कुल इस टाइम अगर हम बात की जाए, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और रोड्स पे इतनी ट्रैफिक नहीं है, लेकिन इस वक्त जो है वो ट्रैफिक बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रही है और ख़ासतौर पे जो शहर के एरियाज़ हैं, अंदरून शहर के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन क्योंकि अभी बारिश इतनी तेज़ नहीं है, जिस तरह से परसों बारिश रिकॉर्ड की गई थी तूफ़ानी बारिश, तेज़ बारिश, उस दौरान ट्रैफिक का निज़ाम भी जो है वो ख़राब हुआ था और पानी खड़ा होने से शहरियों के लिए भी मुश्किल थी, लेकिन अभी इतनी बारिश आज रिकॉर्ड नहीं की गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान के शहरियों के लिए कोई परेशानी का बाइस बने। मौसम जो है वह अबर आलूद है, हल्की बारिश है, कभी तेज़ हो जाती है बीच में, ये ट्रैफिक के जो सिस्टम है उसको अभी फ़िलहाल मुतासर नहीं कर रही। जी बहुत शुक्रिया रूपा अरूज तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं लाहौर और गिरदनवा में बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में आज बादल बरसने की पेशगोई कर दी। आपको बताते चलें कि लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और अब आप